नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस 13 जिन जिन को पसंद आ रहा है और जिनको पसंद आ रही है देवोलीना भट्टाचार्य, तो उनके लिए कल हो गई खुशखबरी कि देवोलीना भट्टाचार्य बन गई पहली क्वीन घर की। और इस बात से बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर, तो इसी पे चर्चा करते हैं। मगर पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। तो कैसे बनी देवोलीना घर की पहली क्वीन? जी हाँ दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि तरबूज खाते खाते आराम से देवोलीना को मिल गया क्वीन का ताज, यानी कि वो बाथरूम जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वीन का राज होगा। तो ये बात ऐसे इतनी आसान नहीं है कि कैसे बन गई देवोलीना घर की पहली क्वीन। हम लोग जाते हैं इंसिडेंट टू इंसिडेंट। जैसे कि आपने पहले हफ्ते में भी देखा कि टास्क हुआ, टास्क में सब लोगों ने देवोलीना का नाम लिया जो उनकी टीम के थे, जबकि उन्हीं की टीम में दो ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। और देवोलीना ने बाद में ये चीज कन्फेस भी की कि आइडिया उनका नहीं था और ये सारी चीजें उनके फेवर में गई। ये बात ये साबित करती है दोस्तों कि देवोलीना को घर में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जब कोई झगड़ा भी होता है, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो उनका हुआ, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, उसमें भी देवोलीना ने एक ऐसी लिमिट को पकड़ के रखा जिसको उसने क्रॉस नहीं किया। अपनी बातें उसने कही, दाल चावल रोटी को लेकर जो झगड़ा हुआ था वो बातें उसने कही जरूर, मगर उन्होंने लिमिट क्रॉस नहीं की। यहाँ पे भी ये साबित हो गया कि देवोलीना को सब घर के लोग पसंद कर रहे हैं, कोई भी उनके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर रहा है सिवाय एक दे को छोड़ के, वो भी बाद में थोड़ा सा हमें अलग दिखा, अलग से वो उसकी भी पर्सनैलिटी सामने आई। मगर अभी तक देवोलीना को सब लोग पसंद कर रहे हैं। अब शुरू हुआ क्वीन का टास्क। क्वीन के टास्क में भी सब लोगों ने किया उसको, यानी कि लड़कियों ने एक एक करके एक दूसरे के मटके जो थे वो डालती गई उसमें स्विमिंग पूल में कि ये मुझे नहीं चाहिए क्वीन, जो भी था अपनी भड़ास निकाली उन्होंने। मगर देवोलीना का मटका किसी ने नहीं फोड़ा। यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला भी देवोलीना के पक्ष में नजर आए क्योंकि सबसे पहले उन्होंने देवोलीना को बाहर निकाला था उस डेन में से, उस जहां पे किले में से कैद किया हुआ था वहां से। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, इवन रश्मि वो भी देवोलीना के हक में है, सिद्धार्थ शुक्ला भी देवोलीना के हक में है, बाकी सब देवोलीना के हक में है। मगर दोस्तों एक दो को छोड़ के अगर हम सोचे तो देवोलीना का पोजीशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यही वजह है कि जब पहली बार वो क्वीन चुनी गई और उनको क्वीन नहीं बनाया गया, शेफाली की वजह से चीजें रद्द होगी, तो फिर दूसरी बार फिर से उनको क्वीन का ताज मिला। यहाँ पे शहनाज भी सबकी गुड बुक्स में है, मगर देवोलीना बिना कोई ऐसा स्पेशल कोशिश किए सबकी गुड बुक्स में, क्योंकि वो बहुत मैनरफुल है, बहुत तरीके से अपनी बात को करती हैं और सबसे बना के रखती है, सबकी जरूरतों का भी ख्याल रखती है। तो ये क्वालिटी बहुत बड़ी है विनर बनने के लिए। तो मुझे नजर आ रहा है कि विनर, जैसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी आ रहा था कि वो विनर की लिस्ट में आ रहे हैं, तो अब देवोलीना का नाम भी आ रहा है क्योंकि दूसरी बार घर की क्वीन बनना बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए और देखते रहे चैनल, हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.